टेक्निकल एनालिसिस के लर्निंग सीरीज में आप सभी का स्वागत है। आज है 14th of May 2024, दोपहर के 12:40। इस टेक्निकल एनालिसिस लर्निंग सीरीज में हम आज जो डिस्कस कर रहे हैं, रेंज रेंज ब्रेकआउट एंड स्पेसिफिकली द फॉल्स ब्रेक। तो रेंज क्या है? पहले, व्हेन ए करेंसी इज मूविंग विद इन एन अपर लिमिट एंड ए लोअर लिमिट। ये हमने एक स्क्रिप्ट लिया है जिसका नाम है इंडसइंड बैंक। ये मेरा कोई रिकमेंडेशंस का नहीं है, जस्ट एक्सक्लूसिवली फॉर टेक्निकल एनालिसिस। सो डोंट एज्यूम और डोंट कंसीडर दिस एज माय रिकमेंडेशंस टू बाय और टू सेल इंडसइंड बैंक। आपको अगर करना है तो आप अपने हिसाब से, अपना एडवाइजर से, अपना एनालिसिस या अपने रिस्क के साथ इस ट्रेड को देख सकते हैं, बट नॉट बेस्ड ऑन माय एनालिसिस। सो ये एक एनालिसिस पार्ट है। वंस अगेन आई एम रिपीटिंग, जहां पे रेंज क्या है, आप अगर देखोगे तो ये 19 जनवरी के बाद से, 19 जनवरी 2024 से आज का जो दिन है आपका 14th of May 2024। सो पहले 19 जनवरी से आपका 8 मई, 8 मई 2024 तक ये एक रेंज के अंदर में ट्रेड कर रहे थे, जो था आपका ऑन द हायर साइड 1580 एंड ऑन द लोअर साइड 1430। सो 1430 से 1580 कितना पॉइंट्स हो गया? 150 पॉइंट के बीच में ये 4 महीने से एक इस रेंज के अंदर में ट्रेड कर रहे थे। देयर बाय जब भी ऊपर आता, यहाँ पे आया, यहाँ पे आया, यहाँ पे आया, तो नीचे आ जाता। जब भी नीचे आया, पहला ये, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, फिफ्थ टाइम ये सपोर्ट को रेस्पेक्ट किया, 1430 के सपोर्ट को। सो ये बन गया आपका एक रेंज, रेक्टेंगुलर रेंज या बॉक्स। अभी हमने क्या देखा? पहले ये कितना टाइम टेस्ट करने का प्रयास किया, पहला यहाँ पे, फिर आपका यहाँ पे, फिर आपका यहाँ पे, फिर आपका यहाँ पे, एंड सो ऑन। देखिए कितने टाइम ये सपोर्ट को टेस्ट किया, यहाँ पर भी आपका नजदीक आके चला गया था। ये जो लास्ट हमारा 8 मई को सपोर्ट के लेवल के आया, एंड 9 मई को ये नीचे की तरफ ब्रेक डाउन किया, यानी 6-7 टाइम्स टेस्ट करने के बाद ये जो प्राइस है ये सपोर्ट को तोड़ दिया। जब सपोर्ट को तोड़ दिया, ये हो गया रेंज ब्रेकआउट, यानी जो एग्जिस्टिंग 4 महीने से जो रेंज था उस रेंज को ब्रेक आउट कर दिया। अभी ये जो रेंज ब्रेकआउट है, इसका मीन्स टारगेट क्या होता है? जबकि ये रेंज को नीचे के तरफ ब्रेकआउट किया, तो ये जो ब्रेथ है, ब्रेथ ऑफ द रेंज, यहाँ पे जैसे 150 पॉइंट का है, तो नीचे के तरफ 150 पॉइंट का, विच इज कमिंग आउट टू बी 1280, दैट इज द रेंज ऑफ दिस सेटअप। तो कहने का मतलब, ये अगर ट्रू ब्रेकडाउन है तो आने वाले दिनों में 1280 तक आना चाहिए। ये हो गया रेंज ब्रेक। लेकिन यहां पर भी कैच है, ये रेंज ब्रेक डाउन किया, कौन सा लेवल पे ब्रेक डाउन किया? आपका इस लेवल पे ब्रेक डाउन किया। ये ब्रेक डाउन करने के बाद देयर आर थ्री सिनेरियोस। क्या थ्री सिनेरियो है? एक, धीरे 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 ये अपना टारगेट की तरफ 1280 की तरफ आएगा। दूसरा वाला क्या पॉसिबिलिटीज है? ये डायरेक्टली ऊपर जाएगा एंड रेंज के अंदर में आ जाएगा। तीसरा वाला यहाँ पे 2-4 दिन कंसोलिडेट करेगा, 2-4-8 कुछ समय के लिए, कुछ सिंस इट इज अ डेली चार्ट, सो ये कुछ दिनों के लिए साइडवेज कंसोलिडेट कर सकता है, उसके बाद क्या करेगा? दीज आर द थ्री प्रोबेबल सिनेरियोस आफ्टर द ब्रेक डाउन। सो थ्री ब्रेकडाउन सिनेरियोस में फर्स्ट है नीचे की तरफ टारगेट 1280। ये हो गया जो रेंज ब्रेकआउट का
जेन्युइन या नेचुरल टारगेट है। लेकिन यहाँ पे और एक कॉन्सेप्ट आता है कि फॉल्स ब्रेकडाउन, यानी आपका ये ब्रेकडाउन ट्रू ब्रेकडाउन ना होते हुए ये फॉल्स ब्रेकडाउन हो जाए, यानी आपका कुछ समय के लिए यहाँ पे ट्रेड करेगा नीचे एंड उसके बाद दोबारा दोबारा ये वापस रेंज के अंदर में चला आएगा। इन सच ए केस ये जो ब्रेकडाउन है इट विल बी कंसीडर्ड एज ए फॉल्स ब्रेकडाउन। सो पहले हमने रेंज डिस्कस किया जहां पे एक रेंज के अंदर में एक सेट ऑफ प्राइसेस के अंदर में ये जो स्क्रिप्ट है मूव करेगा, देन ये इधर साइड ब्रेकआउट करेगा। इन दिस केस ये लोअर केस में लोअर साइड में ब्रेकडाउन किया। इन सम अदर केसेस ये हो सकते हैं कि ऊपर की तरफ ब्रेकडाउन करे। ये ब्रेकडाउन के बाद क्या ये जेन्युइन ब्रेकडाउन है या फॉल्स ब्रेकडाउन है? अगर जेन्युइन ब्रेकडाउन है तो 1280 के तरफ जाना चाहिए। अगर ये फॉल्स ब्रेकडाउन है तो क्या हो सकता है? कंसोलिडेशन करेगा, कंसोलिडेशन करके दोबारा एक ग्रीन कैंडल के साथ ये बॉक्स के अंदर में चलाएगा, यानी दोबारा ये रेंज के अंदर में आ जाएगा। क्या ये आ जाएगा? टुडे मीन्स योर ट्यूजडे, वेंसडे, थर्सडे, दो चार दिनों में अगर ये दोबारा रेंज के अंदर में चले आते हैं, इन सच ए केस ये जो ब्रेक डाउन हुआ, दिस ब्रेक डाउन विल बी कंसीडर्ड एज ए फॉल्स ब्रेक डाउन। तो फॉल्स ब्रेक डाउन हो गया था, क्या बड़ी बात है? दैट इज द थिंग। सो अगर ये जेन्युइन ब्रेक डाउन है, मान लेते हैं कि ऊपर बाउंस नहीं करते हैं, अबोव 1435 के ऊपर क्लोज नहीं दे देते हैं, रेदर ये जेन्युइन ब्रेकडाउन है, तो ये जो टारगेट है काफी शार्पली आना चाहिए। काफी शार्पली आना चाहिए का मतलब क्या है? मतलब ये है कि ये लेवल जो है ये आपका बहुत जल्दी आना चाहिए। जल्दी का मतलब आपका, मेरे यहाँ पे थोड़ा सा कनेक्टिविटी का इश्यूज हो रहा है, फ्लक्चुएट कर रहे हैं। तो ये जो रेंज ब्रेक डाउन के बाद ये काफी जल्दी से अपने टारगेट के तरफ आना चाहिए, दैट मींस 1280 के तरफ काफी फास्ट आना चाहिए। फास्ट बोले तो मे बी 10, 15, 20 ट्रेडिंग डेज के अंदर में आ जाना चाहिए। अगर ये इतना फास्ट नहीं आते हैं, देयर इज ए पॉसिबिलिटी कि ये फॉल्स ब्रेकडाउन कंसीडर हो एंड एक दिन का कैंडल जो है 1435 के ऊपर जाके स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल के साथ क्लोज दे दे। स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल, व्हाट आई वांट टू मीन बाय स्ट्रॉन्ग बुलिश एंड स्ट्रॉन्ग बियरिश। स्ट्रॉन्ग बुलिश बोले तो ये हो गया आपका ग्रीन कैंडल, अगर ये क्लोज नियर द हाई दो दे, बुलिश कैंडल विथ near high closing, at the high or near the high closing, that is called your strong bullish candle. Similarly, strong bearish candle kya hoga? It closes at day's low or near to day's low. Suppose ye wala candle. Ye dekhiye jo close kaha pe diya? At the low. Yahan pe kaha diya? Near the low. Yahan pe kya diya? Almost near the low. यहाँ पे क्या दे? Almost near the low. That means these are all strong bearish candles. यहाँ पे उल्टा देखेंगे, ये वाला candle almost close दिया near the high. ये दिया almost near the high. That means it's a strong bullish candle. यहाँ पे देखिए strong bullish candle. तो यहाँ पे एक close देना चाहिए strong bullish candle, यानी close होगा at almost near the day's high. Not at high. Not necessarily at the high. But near to इन सच ए केस ये फॉल्स ब्रेकडाउन। अगर ये फॉल्स ब्रेकडाउन हो जाते हैं तो वहां पे क्या होगा? ये शार्पली अदर साइड में आएगा। इसका मतलब क्या है? पहले इसको जाना था 1280, लेकिन यहाँ पे कोई कारणवश ये प्रूफ हो गया कि ये 1280 की तरफ नहीं जा रहे, रेदर इट इज कंसीडर्ड एज अ फॉल्स ब्रेकडाउन एंड क्लोज यहाँ पे हो गया। इन सच ए केस यहाँ पे मे बी 5
10 या 12 ट्रेडिंग डेज के अंदर में ये अदर साइड यानी 1580 के तरफ आना चाहिए। दिस इज फॉल्स ब्रेकडाउन। यानी यहाँ पे पहला सिनेरियो क्या था, ये रेंज एक था, रेंज से आपका 9th मई को ब्रेकडाउन किया। 9th मई को ब्रेकडाउन किया तो नेचुरल वे में मींस इसका जो रेंज है उतना ही नीचे की तरफ आना चाहिए टुवर्ड्स 1280, और वो भी जल्द से जल्द आना चाहिए विदाउट स्पेंडिंग मच मोर टाइम। यानी 5-10-15 दिन के अंदर में ही आना चाहिए, नॉट इन 1 month, 2 month, or 6 months। लेकिन यहाँ पे क्या कर रहा है, फ्राइडे के दिन कंसोलिडेट किया, मंडे के दिन यानी कल के दिन यस्टरडे ये एक बाउंस बैक किया, हैमर कैंडल बना एंड आज के दिन में हैमर के हाई के ऊपर बना। दैट मींस पॉसिबिलिटी ये है कि ये एक फॉल्स ब्रेकडाउन हो। तो फॉल्स ब्रेकडाउन हो तो क्या फायदा, फायदा यही है अगर इस टाइप का हमारे पास कंफर्मेशन आ जाए तो हम 1580 या 1570 के लिए हम उसको देख सकते हैं। यानी यहाँ पे मैं ट्रेड रिकमेंडेशंस नहीं दे रहा हूँ, मैं यहाँ पे ये बता रहा हूँ कि प्राइस को कैसे डेसिफर किया जाए, यानी कैसे एनालाइज किया जाए। अभी जो फॉल्स ब्रेकडाउन का कंडीशंस फुलफिल नहीं हुआ, क्या कंडीशन है, स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल जो 1430 एंड 1435 के ऊपर स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल के साथ क्लोज दे। वन मोर कंडीशन इज आप इसको लगा सकते हैं वॉल्यूम, वॉल्यूम अगर लगाओगे तो वॉल्यूम प्लेज ए वेरी इंपॉर्टेंट रोल। यहाँ पे वॉल्यूम्स आ नहीं रहा है जो भी हो, तो यहाँ पे अगर ये फॉल्स ब्रेकडाउन जो बुलिश कैंडल होगा अगर स्ट्रॉन्ग कैंडल के साथ क्लोज देते हैं, इन सच ए केस क्या होगा, आपका वॉल्यूम कंफर्मेशंस भी आ जाएगा, प्राइस पैटर्न कंफर्मेशंस भी आ जाएगा। Along with that one, आप अगर दूसरा कुछ चीजें लगाना चाहते हो RSI, Bollinger Band, Inside Out and other depending on your analysis, उसको आप additional value के हिसाब से कर सकते हो, otherwise इतना ज्यादा का जरूरत नहीं है, सिर्फ price pattern and volume के साथ भी हो सकता है। Suppose इस type का आज कल या Thursday के दिन में इस type का green candle के साथ close देता है, इन सच केस क्या हो सकता है, तो हम उसके हाई के ऊपर बाय लेवल के लिए देख सकते हैं विथ क्या, विथ ए स्टॉप लॉस। स्टॉप लॉस हर एक कंडीशंस में स्टॉप लॉस जरूरी है, क्योंकि नथिंग इज 100% करेक्ट। यानी हमारा अगर एक्सपेक्टेशन है कि ये इस कंडीशन के बाद ये आपका 1570 1580 की तरफ जाएगा, कोई गारंटी नहीं, 100% गारंटी के साथ हम बोल नहीं सकते कि ये ऊपर जाएगा ही। सो इसीलिए हमारा जो स्टॉप लॉसेस रहेगा ये रहेगा इसके लो के नीचे, नेटवर्क स्लो है जिसके कारण मेरे को काफी डिस्टर्बेंसेस हो रहा है यहाँ पे आपका, सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस। तो यहाँ पे आपका ये जगह पे एक इसके नीचे हमारा स्टॉप लॉस रहेगा, यानी 1380 के नीचे हमारा स्टॉप लॉस रहेगा। सपोज यू आर बाइंग एट 1440 1380, यानी 60 रुपीस का एक स्टॉप लॉस हो सकता है, एंड वी कैन टारगेट फॉर 120 से 150 के लिए, यानी 1:2 से 1:2.5 का हम टारगेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे दिस इज वंस अगेन आई एम टेलिंग, आई एम नॉट रिकमेंडिंग फॉर बाइंग और सेलिंग इन द सिंडेक्स और एनी अदर स्क्रिप्ट, I am just analyzing the scenario. कैसे scenario analysis करते हैं? तो यहाँ पे हमने इस particular range breakdown and then false breakdown इसको कैसे हम consider करते हैं? So आशा करता हूँ ये जो analysis है आपको अच्छा लगा। If so, like कीजिए, comment कीजिए and share. Thank you and have a nice learning.